are welcome to the morning session of good morning everybody. You are all welcome to the morning session of Galaxy of Yours. And without delaying any further moment, today we will discuss about the poets of Elizabeth. आज एलिजाबेथन के पॉलिटिकल सोशल बैकग्राउंड की हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और आज का टॉपिक है एलिजाबेथन दौर के राइटर्स कौन कौन से थे। एलिजाबेथन दौर का जो सबसे बड़ा सबसे महान नॉन ड्रामेटिक पोएट एलिजाबेथन दौर का वो था स्पेंसर। नॉन ड्रामेटिक पोएट कौन है इसके बारे में जब मैं लिटरेरी टर्म पढ़ाऊंगा या जब हम लोग लिटरेरी टर्म की चर्चा करेंगे तो उसमें ड्रामेटिक पोएट्स कौन कहलाते हैं और नॉन ड्रामेटिक पोएट्स कौन कहलाते हैं इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। तो इट इज मस्ट फॉर अस टू नो समथिंग अबाउट द लाइफ्स ऑफ स्पेंसर। जरूरी ये हो जाता है कि स्पेंसर का संक्षिप्त जीवन परिचय मिल जाए। सो स्पेंसर वॉज बॉर्न इन 1552 एंड डाइड इन 1599। अबाउट हिज पेरेंटेज नथिंग इज नोन सो फार। स्पेंसर के माता पिता कौन थे इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बट रिसर्च वॉज मेड अबाउट हिज अर्ली एजुकेशन देन इंफॉर्मेशन केम दैट ही गॉट एजुकेशन फ्रॉम मर्चेंट टेलर्स स्कूल इन 1560। प्रारंभिक शिक्षा स्पेंसर की मर्चेंट टेलर्स स्कूल से हुई थी 1560 में। मर्चेंट टेलर्स स्कूल वास्तव में इसकी स्थापना 1550 में हुई थी और ये मर्चेंट जो नेवी मर्चेंट होते हैं समुद्री नाविक होते हैं उनकी बस्ती थी उसके बीच में एक विद्यालय खोला गया था उसका नाम ही पड़ गया मर्चेंट टेलर्स स्कूल। आफ्टरवर्ड ही गॉट हिज बीए डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज इन 1576 वेयर हिज फेवरेट राइटर्स वर एरिस्टो एंड बोकासियो। एरिस्टो और बोकासियो दोनों इटालियन लिटरेचर के सबसे बड़े फिक्शनिस्ट हैं। तो व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही टूक एरिस्टो एंड बोकासियो दीज टू इटालियन राइटर्स एज हिज मॉडल एंड स्पेंसर प्लांड हिज मैरी क्वीन आफ्टर एरिस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। ऑरलैंडो क्यूरियासो एरिस्टो की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है और उसी के कथानक के आधार पर स्पेंसर ने अपने फेरी क्वीन की रचना की थी। फेरी क्वीन के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। देन व्हेन ही लेफ्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1576 स्पेंसर वांटेड टू एंटर चर्च सर्विसेज आर क्राउन सर्विसेज और उस समय चर्च की सेवा में जाना या राजकीय सेवा में जाना ये सबसे बड़ी इस सेवा मानी जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट अ प्लेस इन क्राउन सर्विस आर इन चर्च सर्विस। बाई चांस ही हैपन टू मीट विद फिलिप सिडनी
और एक सौभाग्य की बात थी कि उसकी भेंट फिलिप सिडनी से होती है. देन ही फाउंड ए प्लेस इन अर्नॉफ लीसेस्टर हाउस. फिर इसके बाद लीसेस्टर के अर्न में उसको एक क्लर्क की नौकरी मिल गई. हेयर ही डिवेलप्ड इंटीमेसी विद फिलिप सिडनी, जहाँ के स्पेंसर की अंतरंगता बढ़ जाती है. किससे? फिलिप सिडनी. फिलिप सिडनी वॉज नेफ्यू ऑफ लीसेस्टर एंड स्पेंसर पैटर्न. लीसेस्टर का नेफ्यू था, अर्ल ऑफ लीसेस्टर का भतीजा था फिलिप सिडनी, और स्पेंसर का पैटर्न भी था. एक तरह का लिटरेरी पैटर्न था, साहित्यिक संगठन था. सो थ्रू सिडनीज एड ही बिकेम सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रेट एडिटर. सिडनी की मदद से स्पेंसर लॉर्ड ग्रे डी ब्रेटन यानी ब्रेटन के रहने वाले लॉर्ड ग्रे का सेक्रेटरी बन गया. एंड दैट टाइम लॉर्ड ग्रे डी ब्रेटन वॉज गवर्नर ऑफ आयरलैंड. लॉर्ड ग्रे उस समय आयरलैंड के गवर्नर थे, प्रशासक थे, देन गवर्नर ऑफ आयरलैंड. इन आयरलैंड लॉर्ड ग्रे एंड स्पेंसर मेड किल्कोलमेन कैसल एज देयर ऑफिशियल रेजिडेंस. आयरलैंड में किल्कोलमेन कैसल, किल्कोलमेन नाम के किले को उन लोगों ने अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया. जहाँ तक किल्कोलमेन कैसल की बात है, वास्तव में ये लकड़ी का बना हुआ किला था. दैट इज प्राउड इन 32 एकर्स, 32 एकड़ में फैला हुआ किला था. उसका नाम था किल्कोलमेन कैसल. इट वॉज मेड अप ऑफ लकड़ी का बना हुआ था. एंड इट्स ऑनर वॉज हेनरी डेसमॉन्ड. किल्कोलमेन कैसल का जो मालिक था हेनरी डेसमॉन्ड था. तो स्पेंसर ने और लॉर्ड ग्रे ने किल्कोलमेन कैसल को अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया. देयर ही फेल इन लव विद एन आयरिश गर्ल एलिजाबेथ बॉयर. वहाँ पर स्पेंसर एलिजाबेथ बॉयर नाम की एक आयरिश लड़की के प्रेम में पड़ जाता है. एंड ही मैरिड विद हर इन 1592. और 1592 में स्पेंसर ने एलिजाबेथ बॉयर से विवाह कर लिया. प्रायर टू हिज मैरिज ही मेड अ विजिट टू इंग्लैंड इन 1589. 1589 में इंग्लैंड वापस आता है. एंड पार्ट थ्री बुक्स ऑफ हिज फेरी क्वीन पब्लिश. और फेरी क्वीन की तीन पुस्तकों का, या यूँ कहें कि फेरी क्वीन के तीन खंडों का उसने प्रकाशन करवाया 1589. इतना आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और भी जो है लिख देता हूँ. ही वेंट टू आयरलैंड. In 1598, the Tyrone Rebellion took place. Tyrone Rebellion took place. The rebels set Kilcolman Castle afire. 1598 में टिरोनी विद्रोह जो है शुरू हो जाता है. टिरोनी एक जगह है आयरलैंड में, तो टिरोनी नामक स्थान पर विद्रोह हो जाता है. द रेबल्स विद्रोही लोग सेट किल्कोलमेन कैसल ऑन फायर. स्पेंसर बेयरली एस्केप्ड
Spencer barely escaped and returned, came back to England. Elizabeth Boyle, and his three children. और उस आग से बामुश्किल बच करके स्पेंसर एलिजाबेथ बॉयल और अपने तीनों बच्चों के साथ इंग्लैंड वापस आया इन 1599. ही डाइड ऑफ न्यूमोनिया. और फिर 1599 में न्यूमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई. तो मित्रों, ये रहा थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय स्पेंसर के जीवन का. वो इसलिए जरूरी थोड़ा सा हो गया कि कभी कभी इससे जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं, और PGT में तो नहीं, लेकिन PGT और जो है नेट में प्रश्न पूछ ही लेते हैं. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ स्पेंसर. स्पेंसर की कुछ रचनाओं के बारे में जो है चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ही यही है. His famous works. His famous works. तो पहला है शेफर्ड्स कैलेंडर. शेफर्ड्स कैलेंडर. कैलेंडर का मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, कैलेंडर कहते हैं वर्ष. अगर नहीं मालूम है तो ये जान लें कि कैलेंडर वो कोई डेट वाइज कागज का टुकड़ा नहीं होता है जो दीवारों पर हमें टंगा रहता है. कैलेंडर का मतलब ये होता है क्या वर्ष साल. तो शेफर्ड्स कैलेंडर, शेफर्ड्स कैलेंडर एक तरह का एक क्लॉक, ACLOGUE. और एक लाग एक तरह का बारह मासा होता है. दुनिया के प्रत्येक भाषा में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जो कि कैलेंडर यानी कि एक लाग का जो है जिक्र करते हैं. और एक लाग का मतलब ही होता है बारह मासा. बारह मासा इस बात का बोध कराता है कि साल में बारह महीने होते हैं और हर महीने की अपनी अलग अलग विशेषता होती है. तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शेफर्ड कैलेंडर क्या है, एक तरह का एक लाग है. इसके संबंध में दो बातें जो है ध्यान में रखना चाहिए. बिफोर एलिजाबेथन एरा एक लाग एमर्ज और एक लाख वॉज रिटन. आप लोगों में से कोई बता सकता है कि एक लाख शेफर्ड्स कैलेंडर से पहले किसने लिखा था? बार्कले ने. वॉज रिटन बाई बार्कले. ये ध्यान. तो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में शेफर्ड कैलेंडर ये अंग्रेजी साहित्य का पहला एक लाग है. तो नो माय डियर फ्रेंड्स, प्रायर टू एलिजाबेथन एरा इट वाज बार्कले हु रोट एक लाग. तो बार्कले ने जो है सबसे पहले अंग्रेजी साहित्य में एक लाग की रचना की थी. और ये भी ध्यान रखिएगा कि विद पब्लिकेशन ऑफ शेफर्ड्स कैलेंडर, बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई,
with publication of Shepherd's Calendar. Shepherd Calendar के प्रकाशन के साथ ही The Golden Era of The Golden Era of Elizabethan Literature Elizabethan Literature commenced का मतलब प्रारंभ होना शुरू होना तो ये विशेष तौर पर विद पब्लिकेशन ऑफ शेफर्ड्स कैलेंडर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि एलिजाबेथन दौर के साहित्य के स्वर्णिम काल की शुरुआत कब से मानी जाती है तो वो है शेफर्ड कैलेंडर के प्रकाशन के साथ साथ और शेफर्ड कैलेंडर का जो प्रकाशन है वो 1589 में हुआ 1589 1579 में और इसी के प्रकाशन के साथ एलिजाबेथन दौर के स्वर्णिम काल की शुरू साहित्य के स्वर्णिम काल की शुरुआत होती है। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि फादर ऑफ जो एक लाग है वो थियोक्रेटस ये भी है फादर ऑफ एक लाग इस थियोक्रेटस ये ग्रीक पोएट था थियोक्रेटस सबसे पहले यूनानी साहित्य में थियोक्रेटस ने बारह भाषा लिखा था या एक लाग लिखा था लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में इसकी शुरुआत किसने की थी बार्कले ने की थी और एलिजाबेथन दौर में शेफर्ड्स कैलेंडर ये स्पेंसर ने लिखा और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन रोमन लिटरेचर वर्जिल कॉल्ड इट ड्यूपोलिका वैसे लिटरेरी टर्म में एक लाग की चर्चा कर लेंगे फिर भी थोड़े में आप जान लें कि सबसे पहले एक लाग लिखने की शुरुआत ग्रीक पोएट थियोक्रेटस ने की थी इसीलिए थियोक्रेटस को फादर ऑफ एक लाग कहा गया है। बाद में रोमन पोएट वर्जिल ने इसको थोड़ा सा पॉलिश किया और ज़्यादा सजाया लिटरेरी स्टेटस दिया और फिर उसने इसका नाम रखा ब्यूपोलिका। ब्यूपोलिका का मतलब होता है द मिनिएचर एंड माइन्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण वो ब्यूपोलिका कह रहा है। तो ब्यूपोलिका कुछ भी नहीं बल्कि एक लाग बाय मॉडिफाइड फॉर्म है। अंग्रेजी साहित्य में इसकी शुरुआत बार्कले ने की और एलिजाबेथन दौर में शेफर्ड कैलेंडर जो कि एक लाग है इसकी शुरुआत की थी इस स्पेंसर ने। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिजाबेथन दौर के साहित्य के स्वर्ण युग की शुरुआत किसके प्रकाशन के साथ होती है शेफर्ड्स कैलेंडर के प्रकाशन के साथ जिसका पब्लिकेशन 1579 में हुआ था। वास्तव में ये एक लाग है क्या शेफर्ड्स कैलेंडर इज शेफर्ड्स कैलेंडर इज divided in divided into 12 parts बारह खंडों में है each part is related to
eighth part is related to each month. To each month of the year. क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए प्रत्येक महीने की क्या क्या विशेषता होती है इसका जिक्र हर पार्ट में, एक एक पार्ट में जो है इसमें सबने किया है। अब इससे कुछ प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि हु इज द हीरोइन ऑफ सेफर्ड्स कैलेंडर। तो सेफर्ड्स कैलेंडर की रोजलिन है ROSALYNDE रोजलिन। रोजलिन इज द हीरोइन ऑफ रोजलिन इज द हीरोइन ऑफ सेफर्ड कैलेंडर। सेफर्ड्स कैलेंडर की हीरोइन रोजलिन है। सी इज विवासियस। And a beautiful girl. Who asks? Many philosophical questions. Philosophical questions. स्पेंसर। और स्पेंसर ने अपने आप को किस रूप में पेश किया है? सेफर्ड के रूप में। तो सेफर्ड कैलेंडर की जो हीरोइन है वो रोजलिन है। रोजलिन एक विवासियस। विवासियस का मतलब बहुत मोटर, जो काफी कुछ बोलते हो, पाचाल। पाचाल तो नहीं कह सकते हैं, या काफ़ी कुछ जो बातें करता हो लेकिन वो बुद्धिमत्ता तोड़ पाते हो, ऐसे लोगों को विवासियस कहते हैं। मुखर सिवस विवासियस एंड विटफुल। सॉरी विटफुल। विटफुल कहते हैं हाजिर जवाब। लड़की थी वो आस्क्ड मेनी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, जो ढेर सारे दार्शनिकता पूर्ण प्रश्नों से करती है, किससे? स्पेंसर से। एंड सी इज आंसर्ड प्रॉपर्ली एंड आंसर्ड प्रॉपर्ली। और इसका उचित जवाब जो है शेफर्ड यानी कि स्पेंसर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि शेफर्ड्स कैलेंडर is quite different from that of Barclay's eclog. Shepherd calendar जो कि eclog है, लेकिन Barclay के eclog और Spencer के eclog में ढेर सारा अंतर है। Barclay का eclog वो minute description जो है nature का नहीं पेश करता है, लेकिन Shepherd's calendar में Spencer ने प्रकृति के प्रत्येक तत्व का बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ा विशद जो है चित्रण किया है। तो मित्र इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करते हैं शिटनी की दूसरी रचना का। समय है कि नहीं है? चलिए एक दूसरे जो है स्पेंसर के कविता की रचना के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी रचना है एमरोटी समय। एमरोटी सनेट सीक्वेंस। एक चीज ये ध्यान रखिएगा एमरोटी इटालियन वर्ड है एमरस, और एमरस का मतलब होता है लव। एमरोटी मीन्स रिलेटेड टू एमरस, दैट इज पर्टेनिंग टू लव। एमरस इटालियन भाषा का
और जिसका मतलब होता है प्रेम, तो एमरोटी का मतलब होता है प्रेम से संबंधित। एमरोटी सनेट सीक्वेंस में कुल 88 सनेट्स हैं। कितने? 88 सनेट्स। इन एमरोटी सनेट सीक्वेंस Spencer celebrates his love for Elizabeth Boyd, और 88 सनेट सीक्वेंस में Spencer ने एलिजाबेथ बॉयल के प्रति अपने प्रेम का विस्तार से जो है वर्णन किया है। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना भूल गया, दिमाग से स्लिप कर गई, उसको नोट कर लीजिएगा। स्पेंसर लिख भी दे रहा हूँ, स्पेंसर डेडिकेटेड, प्रश्न पूछा जाता है, स्पेंसर डेडिकेटेड शेफर्ड्स कैलेंडर, बता सकते हैं आप लोग? शेफर्ड्स कैलेंडर टू फिलिप सिडनी, ये नोट करके रखिएगा कि अपने शेफर्ड्स कैलेंडर को स्पेंसर ने अपने मित्र और पैट्रन फिलिप सिडनी को जो है भेज दिया। समय हो तो फिर आगे कितना, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर एपिथेलमियम, एपिथेलमियम और कहीं कहीं पर एपिथेलमिया। हमको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है कि एपिथेलमियम है या एपिथेलमिया है। वास्तव में ये शब्द जो है वो दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। एपी, एपी मीन्स होता है सेल्फ, और थैलमस कहते हैं लव को, थैलमस मीन्स लव। तो जाहिर से लिटरल मीनिंग क्या होगी अपनी थैलमियम की, कि सेल्फ लव। तो थैलमस कहते हैं बेटा मैरिज, मैरिज। तो जाहिर सी बात है अपनी थैलमियम, और इसके बारे में जानिएगा तो फर्स्ट होल, फर्स्ट वोट इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में पहला वोट माना गया है एपिथेलमियम को। और चूंकि थैलमस का मतलब ही होता है मैरिज, इन एपिथेलमियम स्पेंसर describes his love and marriage activities or marriage ceremonies with Elizabeth. मित्रों आज इतना ही, कल हम लोग फेरी क्वीन की विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ जो कुछ माइनर पोएम्स है जैसे मदर ऑफ गॉड्स टेल है और मदर ऑफ गॉड्स टेल टीयर्स व्यूज और रोइन ऑफ
ये जो मिसलेनियस पोएम है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी. गॉड ब्लेस यू.